मम्मा पहले इतने पतले थे क्या? हाँ, ध्यान से देखो ना पापा, पहले मम्मा ब्यूटीफुल रखते थे, अब तो हाँ तो बेटा सब तेरे पापा जैसे थोड़े ना होते क्या? ठीक है ओ वेडिंग एल्बम तू 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 सारा दूर चुराना दिल पे ना हो पर नाम स्टेचू पहले ये करने दो आ ओवर बाकी देखे जैसे देखे मैं ना हूँ हैरान ये हो रहा ये हो रहा वैसे मम्मा ये कौन है ये अरे हारे फट्टू पकड़ रखी है एक हेलोजन नहीं लग रही यार इनसे सुबह से अरे आंटी दीदी आप बस एक बार अपना मुंह खोल के बोल दो कि आपको कैसे डिजाइन चाहिए क्योंकि आप मानोगे नहीं ऐसी ऐसी डिजाइन है ना अपने पास अंकल जी वो देखो 100 रुपीज का नोट है हाँ मेरे ही है उठा रहा हूँ मैं जय सियाराम मोटे नीचे उतार मेरे को मैं मर जाऊंगा मोटे बचाओ तेरा बीमा करा रखा है ना हाँ तो बस चुप रहे फिर मैं बस मरने वाला हूँ तो मेरी मम्मी को दे देना पैसे बचाओ हाँ तो वो टाइम पे मेरे पास में दो ऑप्शन थे हाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो मैंने इंसानियत के नाते चुना रसना को बचा हाँ मस्त है हाँ तो गर्मी थी यार वहाँ पे बहुत धूप चढ़ रही थी यार मेरे पुट्टे पे तो अरे क्या हुआ कैसे गिर गया मैं क्या मालूम क्या कर रहा था वो ऊपर चढ़ के ओ बाप रे चलो कहीं नहीं पहले मेरी भिंडी बना दो हाँ चलो चलो तो आ गए फिर से तो हर शादी में ये एक आदमी रहता है जो सबकी मेहंदी बनाता है लेकिन ये लड़कियों के अलग चोचले चल रहे ये लड़के नाम छुपवा रही है मेहंदी में हाँ तो क्या है ना देखो आपको ना हाँ आपको ऐसे मेहंदी बना के रवि का नाम छुपाना है कहाँ पे और पापा आप यहाँ पे छोटी सी तलवार लेके भाग क्यों रहे थे क्योंकि वो लोग गोबर लगा रहे थे यार मेरे को फालतू में अरे सर ऐसी ऐसी डिजाइन है ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा हाँ तो हो ही रहा मेरा दिमाग खराब इसकी बात सुन के गोबर भर के लाएंगे इसमें भैया देखो आप ऐसे तो नहीं बोल सकते हो क्योंकि हमारी तो रोजी रोटी है फ्रेश है ना ले देखा मैं बोल रहा था ना मैं को नहीं रखवाना कुछ भी बोलो देखो मेरे को मजा तो बहुत आया था हाँ लो इसको स्कैन कर लो और फटाफट कर दो ये भी मेहंदी से बनाया हाँ ओनली 2000 एक रुपया नहीं देना इस आदमी को चट कल मैंने इस आदमी से रवि का नाम लिखवाया था रवि पर ये लोग वैसे ही मेहंदी वाले हाथ ले जाके वॉशरूम में बैठते और वहाँ पे इनको कुछ काम नहीं मिल रहा है तो उसको खिरा रहे बैठ के एक बार तुम बाहर आके वॉशरूम की हालत देखते हो क्या हालत हुई है उसकी कैसे खड़ के आए हो यार तुम वॉशरूम मेरे को देख देख के ऐसा अंदर से कुछ होता है और इसके बाद भी तुम्हारी मेहंदी नहीं रचती है तो ये तो रची नहीं ये क्या है छी मतलब रवि और तेरा प्यार हाँ हेलो रवि आपकी बात मेरे से बात मत कर लेना स्वाहा वो तो अच्छा हुआ कि मेरे को मेरे मासिया सासू जी ने संभाल लिया अरे तब आपकी मेहंदी नहीं रची तो उसमें मैं क्या ओए डाटा बंद रख मेरी भी नहीं रची है साले को पकड़ो अरे यार नहीं नाचना मेरे को वो रहा भगोड़ा आप पकड़ो साले को किधर क्या साला रुको 2 सेकंड संज्ञा
मम्मी अब देखो तुम्हारे यहाँ शादी है, तुमको बहुत ही खुशी है तो नाचो ना, सड़क पे लेट लेट के नाचो, दिन रात नाचो। पर ये क्या बात हुई, दूसरों को पकड़ पकड़ के घसीट के ला के नचवाएंगे। मैं गनी नाचना। हाँ चल नाच अब। ये सीखने के लिए डांस क्लासेस भेजा था हमने, देखो 1000 रुपए बर्बाद। ओ मम्मा, ये अंकल कैमरे की तरफ देख के मुंह क्यों छुपा रहे? ये कौन? क्या यार, एक तो लेडीज़ों को पहले बिठा देते जिमने के लिए, दिमाग खराब हो गया मेरा तो। एक तो खा के वहीं पे भैंसे जैसी पड़ी हुई है, टस से मस नहीं हो रही है। उठो ना यार, खा जाए तो। क्यों ना भाई साहब, मेरी वाइफ भी है उधर। देखो यहाँ पे लेडी से पोटा कर करके गई है। देख बेटा यहाँ पे बहुत सारे चोर चोट्टे लोग आते रहते, तो अपनी चप्पल यहीं पे खोलो और फिर उसके ऊपर फसर के बैठ जाओ। ठीक है। बर्फी 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 बर्फी। क्या यार, बर्फी नहीं रख रहा है यार, हैं? चलो तो अब खाना शुरू करते हैं। पानी 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 पानी। अरे वो हवा से डिस्पोजल उड़ गया शायद। पेट भर के खाना हो, खाना नहीं बनेगा आज घर पे। पापा वो देखो जो रायता वाला आ रहा है। हाँ, फटाफट पी फटाफट पी। और रख रख तो सही यार। अरे ओ, देख भाई सही बताऊ ना, तुम बहुत मन मारो के खाया मैंने। पापा बस और नहीं खवा रहा, पेट फूट जाएगा मेरा। कोई देख तो दे रहा है। चलो चलो चलो, खा लिया सबने। हाँ हेलो, हाँ इधर कोई नहीं पकड़ रहा, आ जाओ तुम तो सब लोग। हाँ बढ़िया है, खाना पीना भी। अरे सब है, सब है, दाल चावल रायता सब है। हाँ ठीक है, आ जाओ फटाफट। बस अब तो जान दो मेरे को मेरे घर। नहीं नहीं, ऐसे कैसे घुस गए बिना बुलाए? बर्तन बनवाओ इससे सबसे पहले। और तो और पता है अपनी बीवियों के बारे में क्या क्या? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मान रहा हूँ, बर्तन मान रहा हूँ, मैं झाड़ू पोछा क्या करना है सब बता दो, मैं कर रहा हूँ। तो फिर इससे मंजवाए थे बर्तन? हाँ, तो ऐसे कैसे छोड़ देते। ये देख बड़ा, अपने समाज के व्हाट्सएप ग्रुप में एक और बेहतरीन रिश्ता आया तेरे लिए। अरे यार मेरे को नहीं करना अभी शादी। अरे पर एक बार देख तो ले, फोटो तो देख। ये ले पकड़। हेलो हेलो, मैं देख रहा हूँ। पापा अपने के वीडियो कॉल लगा के दे दिया है। हाँ तो कर बात तो। अरे, कर। हाँ हेलो। हाँ हेलो हेलो। हाँ तो मैं, पता है सही बताऊँ ना, तो बहुत जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। पहले मैं मजदूर था, क्योंकि मैं मजबूर था। ओ भाई जाहिरी हो गई बिल्कुल। पुश पुश पुश। भाई 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 भाई, बंदूक दीजिए बंद। तो क्या पक्का समझे फिर रिश्ता? ये क्या हो रहा है बाहर? चला जा। अरे नाचो रे। ये ले पांटूस। और ये बारात में जाने की सबसे अनोइंग चीज मेरे को यही लगती है कि पूरी कॉलोनी के लोग अपना सारा काम धाम छोड़ के बाहर लटक लटक के देखने आएंगे तुमको। सब हरकतें होने के बाद जब तुम बफे में पहुंच रहे हो तो पल पल हे पाकी, ओए अपन इनकी शादी में आए क्या? ओ भैया वो तो नीचे खड़े हैं जिनकी शादी है। ये ढोकरे लोगों का फोटो शूट नहीं खत्म हो रहा है। ओ शादी हो गई, शादी हो गई, 8 ईयर ओल्ड मैरिज। हां पाकी कोई भी नहीं देख रहा है, फटाफट से टिश्यू भर ले। भर रही हूं। मेरे ड्राइंग करने में काम आएंगे। एक आधा भरने का बोला है मैंने। तो ऐसे ही टिशू चोर आपको हर शादी में मिल जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टिशू ना चुराएं। टिशू चुराते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि आप किसी भी कैमरे की निगरानी में ना हो।
हालत तो यही रहा है। अरे यार मेरे को काले जा रहे हो भैया, वो रही वहाँ पे रोटी वाली स्टॉल। हाँ तो चल फटाफट फटाफट। तुम रहती हो ए बाकी, ये रोटी की लाइनें कहाँ तक जा रही है? हाँ ये शादियों में रोटी के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही है ना, ठेठ व धर्मशाला के बाहर बीच सड़क में ट्रैफिक जाम करके बैठे हैं लोग। पूरा ट्रैफिक जाम को हटे ना यार सामने से। ए बाकी मंचूरियन भी रखा है क्या इन लोगों ने? वो देख वो किधर से लेके आ रहे हो? वो भी वहाँ पे। चलो ओ भैया पानी बतासे भी रखे इनने। हैं? क्या यार भैया ये मसाला तो भर ही नहीं रहे, पानी बतासे के नाम पे बेवकूफ बना रहे बस। और मतलब घर में सब कैसे? हाँ बढ़िया सब। ओ ये दी। ला, 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 और मतलब काम मामा। और ये शादियों में तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी आंखों के सामने रिश्ते तय कर देंगे तुम्हारा बिना तुमको बताए। पूछना तो दूर की बात है, तुमको बताएंगे भी नहीं। नहीं बता तो चले कि शादी हो किससे रही आखिरकार मेरी। हाँ तो फिर पक्का समझो रिश्ता। हाँ हमारी तरफ से तो डन है बिल्कुल, अभी करा देते इनके साथ में ही बिठा देते इन दो को। इस्माइल इस्माइल हाँ एक एक के साथ देते हुए ये कौन मूत कौन रहा यार ऊपर से? ओ पानी आ रहा है भागो, सब अपनी जान बचा के भागो। लाए तेरा छाता दे दो। क्या कर सब इस छाते के नीचे आ जाओ, मैं बनूंगा इस दुनिया का रखवाला। ओ पानी आने लग गया बाहर। ओ रुको पहले मेरे को कपड़े लान दो छत पे से। हाँ तो पापा फिर